हिमाचल प्रदेश चिकित्सक संघ कोलकाता में एनआरएस मेडिकल कॉलेज में दो इंटर्न डॉक्टर्स पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता है। उस हमले की वजह से आज दो नौजवान डॉक्टर्स जिंदगी और मौत की लड़ाई आईसीयू में लड़ रहे हैं। ये बात हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि कोलकाता में हुई घटना के बाद पीड़ित परिवार के साथ संघ खड़ा है और इस तरह की घटनाएं निंदनीय है। हिमाचल प्रदेश चिकित्सक संघ जो अभी पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो घटना हुई एनआरएस मेडिकल कॉलेज में, जिसमें के दो इंटर्न डॉक्टरों को इतनी बुरी तरह से वहां मॉब द्वारा पीटा गया कि आज वो आईसीयू में अपनी जिंदगी और मौत की जंग जो है वो लड़ रहे हैं, उसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। जैसा कि मीडिया से भी पता चला और हमें वहाँ के संघ से भी जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से 85 साल के वृद्ध को आईसीयू में वहाँ पे दाखिल कराया गया था और वो किसी कारण जो आईसीयू में ऑलरेडी थे और परिस्थितियाँ ऐसी रही कि उनको नहीं बचाया जा सका। लेकिन उनके परिजनों ने वहाँ 200 के करीब लोगों ने वहाँ मेडिकल कॉलेज की कैजुअल्टी में जो है वो हंगामा किया और दो नौजवान इंटर्न डॉक्टरों को पीटा गया जो कि आज आईसीयू में हैं, कोमा में हैं। और हम ऐसे समय में उन अपने दो होनहार नौजवान डॉक्टर्स की जो स्वास्थ्य के लिए हम कामना करते हैं। हिमाचल प्रदेश संघ ऐसे समय में उनके परिजनों के साथ खड़ा है। साथ में संघ ये भी मांग करता है कि अब ये सरकारों के लिए एक सोचने का विषय है और सरकारों को, केंद्र सरकार और सभी प्रदेश सरकारों को इसमें सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि आए दिन ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ये विदित है कि जन्म और मौत हॉस्पिटल में होती हैं, क्योंकि ये एक जगह ही ऐसी है जहाँ पे ऐसी सब चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चिकित्सक या किसी दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ को हिंसा द्वारा हानि पहुँचाएं। इसके लिए और भी दूसरे रास्ते हैं। अगर जनता को लगता है कि कहीं पे कोई कमी रह गई है तो वो कोर्ट के माध्यम से या दूसरे कंज्यूमर कोर्ट्स के माध्यम से डॉक्टरों को लीगल नोटिस भेज सकते हैं। लेकिन हिंसा करना, कानून को अपने हाथ में लेना, ये सही बात नहीं है और इससे एक कार्यस्थल पर जो असुरक्षा की एक भावना है वो बन जा रही है और जिसकी वजह से जो मासूम जनता है उनको बाद में सफ़र करना पड़ रहा है। तो हमारा सरकारों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द सारे प्रदेश के जितनी भी हमारी मेडिकल एसोसिएशन हैं इनको बुलाया जाए और एक कोई ठोस निर्णय लिया जाए। और तब तक मेरी सभी प्रदेश सरकारों से, हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार से भी ये मांग है कि जहाँ पे 24 घंटे हमारे संस्थान जो एटलीस्ट ड्यूटी दे रहे हैं और जो नेशनल हाईवेज के पास हैं और इतनी सारे टूरिस्ट इस सीजन में यहाँ पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे एटलीस्ट सुरक्षा व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए 24 घंटे। और इस परिस्थिति में हम पश्चिम बंगाल एसोसिएशन, डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ हैं। अगर किसी भी तरह की संघर्ष की जरूरत हमें पड़ती है तो हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर संघ और हिमाचल प्रदेश का हर एक डॉक्टर जो है वो पश्चिम बंगाल एसोसिएशन के साथ है। कार्यक्रम में वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद।